हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि होने वाला है स्टेट द जनरल गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। जब आप रिपोर्ट्स को तैयार करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो इसको पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, मिनट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी है, सिमिलर वीडियोज हैं, बट हाँ ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, तो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी मिल पाएगी। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके और एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जो वीडियोस में बनाता हूँ और जो गाइडेंस आपको मिलेगी आप उसी से कर लोगे, पर अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे एक्सक्लूसिवली जो बनाए जाते हैं हमारे टीम के द्वारा, तो वो भी आपको 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको बता देने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आए। ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आपको इग्नू बीकॉम में आना है ना, इग्नू बीकॉम न्यू में आना है। जब आप कॉमर्स की पाठशाला में आएंगे तो इग्नू बीकॉम न्यू बोल करके आपको एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी यहाँ पे अभी एड होंगी प्लेलिस्ट, तो वहां पे और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देख करके आप एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। चलिए फिर मैं कहानी नहीं सुनाता हूँ आपको, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स की तरफ चलता हूँ। जो पॉइंट्स हैं उनको फिर एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी, कि जब आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो उसमें उसको एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक्यूरेसी का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सो एज मेंशन इन द प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है एक्यूरेसी। चीजें अगर इनएक्यूरेट रहेंगी तो जो लोग उसके बेसिस पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे या जज करेंगे किसी चीज को, वो गलत जज कर बैठेंगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने रिपोर्ट में, अपने मिनट्स में डाल रहे हो, अपने रिपोर्ट्स में डाल रहे हो, वो सारी की सारी चीजें जो है एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे डालना है। तो प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था द इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, wherever necessary the report should be supported by adequate factual data. तो जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, एक्चुअली दिक्कत क्या होता है ना कि रिपोर्ट जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं होता, इन फ्यूचर में भी कभी भी अगर आपको कोई बात आपने कही है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस केस में आप अपने रिपोर्ट को एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहां पर अटैच कर सकते हो। तो उसका इस्तेमाल चूंकि फ्यूचर में भी है, तो जो भी डेटा आप दे रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए, फैक्चुअली एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे आपको जाकर के हेल्प हो आगे जाकर के। इट शुड बी रिमेंबर दैट द मेथड एम्प्लॉयड फॉर डेटा कलेक्शन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, है ना? तो ये भी आपको नोट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, वो मेथड एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, वो उसका उसके ऊपर असर डालता है आपका मेथड, है ना? Hence, an appropriate method is to be selected and proper source identified for obtaining accurate information required for the preparation of the report. है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि चूंकि यहाँ पे methods का एक बहुत बड़ा influence पड़ता है degree of accuracy के ऊपर, तो आपको जो है methods का जब भी आप selection करोगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जो है अपने methods का selection करना है, ताकि एक तरीके से जो information आपको अपने report में देनी है वो आप बहुत ही आसानी से दे सको। If the information is not accurate, there is possibility of wrong decisions being taken. अगर information सही नहीं होगा, accurate नहीं होगा, तो वहाँ पे possibility होगी कि आप wrong decisions वहाँ पे ले लो। Accurate information helps in taking right decision by the user of the report organization, है ना? तो जो accurate information आप लोगे, वो एक तरीके से आपको help करेगा कि आप सही decision ले सको, और जो आपका एक तरीके से जो organization है, वो भी ठीक तरीके से काम कर सके, उसको भी help हो सके, है ना? तो वो सारी चीजें जो है आप पॉसिबल तभी हो पाएंगे जब आप एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दोगे। आपका रिपोर्ट जो है उसकी गाइडलाइन, सबसे पहला पॉइंट एक्यूरेसी ही है, कि सारी चीजें जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो अपने रिपोर्ट में, वो सारी चीजें फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। सो जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो कम्युनिकेट होना चाहिए
टू द अदर पर्सन हु इज रीडिंग इट, जो भी उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है उस तक अगर आपका मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा, उस तक अगर आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो फिर आपका रिपोर्ट किसी काम का नहीं है, है ना। सो एज ऑलरेडी स्टेटेड एवरी रिपोर्ट इज मेंट फॉर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जो भी रिपोर्ट आप तैयार करते हो उसके पीछे रीजन यही होता है, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आप एक या एक से ज्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है उस तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पाओ। वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है रिपोर्ट जो होता है, राइट। आप रिपोर्ट अपनी बातें पहुंचा पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो अपनी बातों को विद द हेल्प ऑफ योर रिपोर्ट। इफ अ रिपोर्ट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हुम इट इज इंटेंडेड, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। अगर रिपोर्ट को ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया उनके साथ जो कि उस रिपोर्ट के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट है, उनके लिए जरूरी है, तो जो भी आपका एक तरीके से जो पर्पस है रिपोर्ट बनाने का, वो आपका पर्पस जो है फुलफिल नहीं होगा, सर्व आप नहीं कर पाओगे, है ना। सिंस द रिपोर्ट्स आर कंसीडर्ड व्हीकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल्स एट वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मे रिक्वायर देम इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस और टू परफॉर्म द वर्क असाइंड टू देम, है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यू नो रिपोर्ट जो होती है वो एक तरीके से व्हीकल ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं जिसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो है इन रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी उस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो उन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं अपने यू नो डिसीजन लेने के लिए या फिर यू नो डिफरेंट जो उनके काम मिलते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप चीजों को ठीक तरीके से रिपोर्ट में लिख पाते हो और कम्युनिकेट कर पाते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि लोगों को मिलते हैं, राइट। अगला पॉइंट है शॉर्ट बट क्लियर। अब आपका रिपोर्ट जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और उसका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। द लिटिल द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट शुड बी इंडिकेटिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। जो भी आप टाइटल चूज करोगे वो इंडिकेटिव होना चाहिए कि ये आपका कंटेंट होने वाला है। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी का बहुत सोच समझ करके मूवी का नाम रखा जाता है, तो उस मूवी के नाम से हमें तकरीबन पता चल जाता है कि मूवी जो है किस किस्म का होने वाली है। तो रिपोर्ट में भी नाम का जो है बहुत ही महत्व है, रिपोर्ट में भी एक तरीके से जो टाइटल है वो उसका भाई बहुत महत्व है। तो जो है शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर टाइटल होना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव टू अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। देयरफॉर वन शुड सेलेक्ट अ शॉर्ट एंड क्लियर टाइटल व्हिच विल रिफ्लेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो आपको एक एक तरीके से शॉर्ट टाइटल लेना है और क्लियर टाइटल लेना है जिससे एक तरीके से जो कंटेंट है रिपोर्ट का वो दर्शाया जा सके। द ओपनिंग पैराग्राफ शुड इंडिकेट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट mentioning the date thereof, so it is immediately clear as to why the report is made, है ना। तो यहाँ पे कुछ informations के बारे में लिखी बताई गई है बातें जो कि आपको mention करनी जरूरी होती है अपने report में। जब भी आप अपना report start करोगे तो opening paragraph में आपको जो है आपका जो भी terms and conditions है, जो भी terms of reference है and instructions है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे mention करनी होती है। consideration आपको issue करना पड़ता है ना report के time पे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे dates mention करते पड़ते हैं कि इस date पे मैं इस report को publish कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो इसीलिए ये जो काम होता है ये बहुत ज्यादा important हो जाता है, राइट। तो शॉर्ट बट क्लियर टाइटल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक और गाइडलाइन विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड रिपोर्ट, है ना। टॉपिक क्या था, जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। तीन पॉइंट्स मैंने करा दी है। चौथी पॉइंट आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये है कि आपको जो लैंग्वेज है लिखने का रिपोर्ट वो बहुत ही आसान होना चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए, रिपोर्ट को वो ठीक तरीके से डिपिक्ट कर सके और फिर आगे जाकर के जो भी उसके बेसिस पर उसको डिसीजन लेने हैं वो उसको ले सके। सो द लैंग्वेज यूज्ड इन द रिपोर्ट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द पब्लिक फॉर होम इट इज इंटेंडेड। जिसके लिए ये बनाया गया है उसको ये समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लैंग्वेज यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत कम करना है ताकि सामने वाले बंदे को भी सारी बात समझ में आ सके, राइट। इट शुड नॉट इंक्लूड नेसेसरी टेक्निकल टर्म्स। इसमें अननेसेसरी टेक्निकल टर्म्स इसमें नहीं होने चाहिए एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस भी नहीं होने चाहिए विच मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट। जो कि हो सकता है कि जो आपका यूजर है रिपोर्ट का वो उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, है ना। जो फ्रेजेस होते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो एक तरीके से थोड़े से टफ होते हैं। अगर आप ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि जो बंदा आपका रिपोर्ट पढ़ रहा है वो उसको ठीक तरीके से रीड ना कर पाए, समझ ना पाए, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जनरल गाइडलाइंस में चौथे नंबर पे लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि लैंग्वेज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज जो है सिंपल हो और यू नो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा सको, आपको उस भाषा में वहां पे लिखना है। अगला पॉइंट है रूटीन नेचर। सो रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली रूटीन रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ रूटीन मैनर। जो रूटीन रिपोर्ट्स होते हैं उनको रूटीन मैनर में तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट वुड फैसिलिटेट द रीडर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिपोर्ट विदाउट लुकिंग इनटू द डिटेल्ड
जो डिटेल कंटेंट्स होते हैं। सो एक तरीके से ये फैसिलिटेट करता है रीडर को कि रीडर जो है सारी चीजों को ठीक तरीके से समझ सके और एक तरीके से वो अपने काम को ठीक तरीके से कर सके विद द हेल्प ऑफ लुकिंग एट द डिटेल कंटेक्स्ट कंटेंट्स। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजफुल। तो इस केसेस में जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगला पॉइंट है पैराग्राफ। So it is desirable to divide the report into a number of paragraphs. Each para should be devoted to a particular subject. है ना? तो ये माना जाता है कि ये desirable होता है कि जब भी आप अपने report को बनाओ तो उसको आप paragraphs में बांट दो, different different paragraphs में बांट दो और हर एक paragraph जो है वो different different particular topic को लेकर के particular aspect को लेकर के detail में बात करता है, ठीक ना? For example, a report of the general body meeting prepared by the secretary may have several paragraphs. है ना? तो जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किया गया था उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो एक तरीके से वहां पे बहुत सारे पैराग्राफ्स वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। ईच ऑफ देम रिलेटेड टू द डिफरेंट सॉल्यूशन एंड डिसीजंस टेकिंग। और हर एक पैराग्राफ जो है ये बताता है कि कौन कौन से रिजोल्यूशंस के ऊपर रिजोल्यूशंस लिए गए हैं और क्या क्या उनके बेसिस पे जो है डिसीजंस लिए गए हैं जो कि आगे जाकर के काम ठीक तरीके से करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो पैराग्राफ भी हो गया। अगला पॉइंट है कॉन्साइज। तो कॉन्साइज वे में का मतलब लिखना होता में लिखने का मतलब होता है कि आप चीजों को छोटा करके लिखो। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी लेंदी बनाने की कोशिश आपको अपने रिपोर्ट को नहीं करनी है, राइट? कॉन्साइज वे में होना चाहिए। द रिपोर्ट शुड डील विद द मैनर एज कंसाइजली एज पॉसिबल। जो है ज्यादा से ज्यादा जितना भी छोटा हो सके आप उसको छोटा करने की कोशिश करो। हालांकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा देना ये भी सही बात नहीं है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रखते हुए आप अपने रिपोर्ट को जितना छोटा करके समझा सकते हो, दिखा सकते हो, वो आपको करना है। इफ डिटेल्स ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स आर एसेंशियल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी ऑफ द मेन रिपोर्ट, दे मे बी सेपरेटली अपेंडेड टू द रिपोर्ट एंड रेफरेंस टू सच अपेंडिक्स मे बी गिवन एट द रिलेवेंट प्लेसेस इन द रिपोर्ट। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि रिपोर्ट तो आपको छोटा रखना है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपने डेटा इकट्ठा करा है वो डेटा भी आप उसमें अटैच करो। तो उसमें उसको आप एज ए इंडेक्स, है ना, इंडेक्स या फिर अपेंडिक्स बोल सकते हो। अपेंडिक्स के रूप में आप लेटर्स को, जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं उसको आप पीछे अटैच कर सकते हो, जिसका नंबर आपको मेंशन कर देना है सामने में कहीं पे, जिससे बंदा जो है उसको अगर डिटेल में जानना होगा तो वो पीछे पलट करके उस चीज को डिटेल में जान सके। तो कॉन्साइज वे में आपको लिखना है लेकिन आप चाहें तो पीछे में लेटर्स की जो रिपोर्ट है उसके पीछे में आप डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स भी वहां चिपका सकते हैं। अगला है रिकमेंडेशन। नाउ If recommendations are to be made, अगर recommendations दिए जाते हैं, they should be given at the end of the report under the heading of the suggestions or recommendations. अगर recommendations दिए जाते हैं report में, तो report के आखिर में, है ना, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, If the recommendations are to be made, they should be given at the end of the report. Report के एकदम आखिर में आपको जो है recommendations देना है, heading दे करके कि ये सारी चीजें जो है हमारी suggestions और recommendations हैं, in future में अगर इस तरह से आप काम करना चाहते हैं। So it is needless to mention that the recommendation should be based on the on what has been studied, analyzed and scrutinized. है ना? तो ये एक तरीके से बेकार बात होगी आपको ये बात बोलना कि जो भी रिकमेंडेशन आप वहाँ पे एक तरीके से पुट अप करेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने पढ़ी है, जो आप लोगों ने चीजों को एनालाइज किया है और स्क्रूटनी किया है, उसके बेसिस पे वो होना चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसलिए यहाँ पे बोली जा रही है बात कि ये नीडलेस है आपको ये बात बोलना कि जो भी आप रिकमेंडेशन दोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव स्टडीड, एनालाइज, स्क्रूटनाइज, उसके बेसिस पे होगा। नॉर्मली management takes on the basis of such recommendations given in the report. Normally jo management hoti hai wo ek tarike se decisions leti hai on the basis of those recommendations, hai na? aapne naam suna hoga ki tv mein jab bhi debate hota hai to wahan pe different different committees ke bare mein bola jata hai, to unki jo report hoti hai usme un reports ke sath recommendations bhi hoti hai jinko lagu karne ki baat ki jati hai, राइट? तो वही रिकमेंडेशंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। दीज आर कॉल्ड रिकमेंडेशंस, ठीक है? सिग्नेचर एंड डेट। तो सिग्नेचर और डेट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी कोई वैलिडिटी जो है नहीं रहेगी, वो किसी भी तरह से वो वैलिड नहीं हो सकता। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द पर्सन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट शुड पुट हिज सिग्नेचर एंड डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्सन रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है वो अपना सिग्नेचर और डेट जो है वहाँ पे मेंशन करे। सिग्नेचर एज ए एक्ट एज ए चेक ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स इन द रिपोर्ट। सिग्नेचर एक तरीके से हेल्प करता है रिलायबल बनाने में आपके रिपोर्ट को, कि चलो बंदे ने ये रिपोर्ट बनाया और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि जो भी चीजें उसने वहां पे मेंशन करी है वो सारी की सारी चीजें सही हैं। तो वो रिलायबिलिटी चेक हो जाती है जब भी आप वहां पे सिग्नेचर कर देते हो।
The person who signs the report becomes responsible for any information included in the report. अब जो साइन करेगा वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा उस पूरे के पूरे रिपोर्ट के लिए जो कि उस रिपोर्ट में लिखा गया है, ठीक है ना. Hence the reports are not accepted without signature of the presenter. तो रिपोर्ट जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं अगर आप वहां पे आप सिग्नेचर नहीं करते हो तो, है ना. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि hence the reports are not accepted without signature of the presenter. जो प्रेजेंट करेगा उसके विदाउट सिग्नेचर के आप इसको एक तरीके से रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर द 9 जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट. आई होप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलता है अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. बाय बाय. थैंक यू.